को भीड़ आप लेके आए हुए जिलाधिकारी कार्यालय, क्या मामला है? सदर हॉस्पिटल में घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार, दलाली चरम सीमा पर है। वहाँ डॉक्टर कोई बैठे ही नहीं रहा है, बट शिकायत करने पर छात्र नेता जा रहे हैं तो CMS गाली से बात कर रहे हैं। जिले की समस्या को लेकर मतलब खासतौर जिला अस्पताल या जिला सदर हॉस्पिटल, जनपद तो बाद में है, सदर हॉस्पिटल में ही जो ध्वस्त ध्वस्त है पूरा व्यक्ति। सुविधा चाहते हैं वहाँ समय से डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, दवाई बाहर के लिख रहे हैं, डेरे पर से लिख रहे हैं, डेरे पर से पैसा लेकर के ऑपरेशन का डेट दे रहे हैं। आप सदर अथी डेरे पर पैसा ले रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में एडमिट से सरकारी व्यवस्था दे रहे हैं। मुद्दा एक ही है कि और भी है? सर CMS को बदतमीज़ CMS को तत्काल निलंबित किया जाए। 3 वर्ष से अधिक डॉक्टरों को जमे हुए जो दलाली का अड्डा बनाए हुए हैं उनको तत्काल स्थानांतरण किया जाए और समय से डॉक्टर बैठे। और पहला काम कि सदर हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस तत्काल बंद किया जाए। शराब बवाल का जड़, दलाली का जड़, भ्रष्टाचार का दल प्राइवेट प्रैक्टिस है। सरकार कह रही है कि चिकित्सकों की कमी कारण है कि कोई आना नहीं चाहता बलिया में। अब वो कमी अब सरकार जाने तब क्यों कह रही है कि भाई हम पूरा चिकित्सक दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। मतलब समस्या का समाधान सरकार करे। सर्व शासनादेश के तहत जो सदर हॉस्पिटल को मरीजों की सुविधा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और जो चोर किस्म के बैठे हुए वर्षों से डॉक्टर, और ये CMS बलिया का है, कहता है मैं बलिया का हूँ और चोरी कराता है, दलाल बैठा है लोकल बैठा करके, ये जो लोग मरीज जाते हैं उनको डांट के भगा देता है, गाली देता है। मरीजों के जो संख्या के हिसाब से डॉक्टरों की तैनाती है अब वो तो लगभग है, कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है। मतलब डॉक्टरों की कुछ जो पुराने समय से उनको हटाया जाए, CMS को हटाया जाए, वही 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है, 8 से 11 अपने डेरे पर बैठ करके मरीज प्राइवेट देखते हैं। नेताजी के साथ हरदम में रहा हूँ, आपसे भी उम्मीद करूंगा नेताजी।